रविवार को आए एग्जिट पोल में हरियाणा में बीजेपी को भी मजबूत स्थिति में दिखाया गया। एनडीटीवी के सर्वे में बीजेपी कुल 8 में से 10 सीटें जीत रही है, जबकि 2 सीटें कांग्रेस के खाते में जाती दिखाई दे रही हैं। वहीं इंडिया टीवी और सीएनएक्स के एग्जिट पोल में बीजेपी को 9 सीटें मिल रही हैं। इसके अलावा चैनल टोटल हरियाणा के अनुसार बीजेपी को राज्य में 10 में से 10 सीटें हासिल हो रही हैं, वो 10 सीटें बीजेपी को मिल सकती हैं। एग्जिट पोल के नतीजों से बीजेपी में खुशी है काफ़ी। सूबे के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का कहना है कि एग्जिट पोल के नतीजों से साफ हो गया है कि जनता ने बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातों पर और उनकी योजनाओं पर फिर से अपनी मोहर लगाई है। अच्छी बात तो ये है कि एनडीए की सरकार 300 सीटों से ऊपर सभी एग्जिट पोल दिखा रहे हैं। हमारा अभी भी मानना है कि 300 तक तो भारतीय जनता पार्टी ही पहुंचेगी और उसके ऊपर एनडीए की जितनी सीटें हैं वो एग्जिट होंगी और लगभग ये 350 तक हम जा सकते हैं। और जहाँ तक हरियाणा की बात है, हम पहले से भी कह रहे हैं कि हरियाणा में 10 की 10 सीटें हैं भारतीय जनता पार्टी के खाते में आएंगी।